हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक येट वेरी हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है दल पिट्ठी। इसे बहुत जगह पे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे दाल टिकरी, दाल की दुल्हन, दाल पिट्ठी एक्सेट्रा। दल पिट्ठी बहुत ही कम तेल मसालों में बनकर तैयार होती है, तो ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। दल पिट्ठी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप अरहर दाल। आप चाहें तो दो तीन दाल को मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो इसे हम पहले अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं इसका पानी फेंक दूंगी और अब मैं इसे प्रेशर कुक कर लूंगी। तो प्रेशर कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये दाल। उसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे हल्का सा नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और हींग। तो हींग मैंने यहाँ पर एक चुटकी से थोड़ा ज़्यादा लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 ग्लास पानी और अब मैं इसका लिड बंद करके इसे हाई फ्लेम में 2 सीटी आने पर और लो फ्लेम में 1 सीटी आने तक कुक करूँगी। तो जब तक हमारा दाल पक रहा है तब तक हम बना लेते हैं पिट्ठी। तो पिट्ठी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप गेहूं का आटा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़रा सा नमक। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें 1 चम्मच के करीब घी। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है। मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छी तरीके से। इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि नमक और घी आटे में अच्छी तरह से कॉम्बाइन हो जाए। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और इसका हम एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो बनाकर तैयार कर ले, जैसे हम रोटी के लिए डो बनाकर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही डो हमें इसका बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम पिट्ठियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब हम एक डो लेंगे, उसे सूखे आटे में डस्ट करेंगे और उसकी एक ही रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो नॉर्मल जैसे आप रोटी बनाते हैं उसे थोड़ी सी मोटी रोटी बनानी है बस। तो ये देखिए उसकी थिकनेस जो है बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक छोटा सा ग्लास, उससे हम ये गोल साइज शेप कट कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, अरे ये तो अंदर ही चला गया, कोई बात नहीं निकल जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके की हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। एक्सेस आटा इस तरीके से निकाल निकाल लें। अब हम पिट्ठियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक राउंड पीस लेंगे और इसे तीनों डायरेक्शन से इस तरीके से बीच में ले आते हुए हल्का सा इसे पिंच कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी पिट्ठी बनकर तैयार है। पिट्ठी बहुत डिज़ाइन की बनती है, 4 फ्लावर वाली, 3 फ्लावर वाली, 5 फ्लावर वाली, अगर आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 वाली ही बना रही हूँ, आपको मैं एक 4 वाली भी बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और आप देखें कि ये किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो तीनों डायरेक्शन से मैं कॉर्नर्स को पकड़ के एक जगह ले आते हुए इसे मैं पिंच कर देती हूँ। तो जैसे आप पिंच कर दोगे तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और अब मैं बनाऊँगी ये 4 वाला फ्लावर। तो ये देखिए आप ध्यान से देखें। तो पहले हम इसे हाफ में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, उसके बाद हम इसे इस तरीके से चारों तरफ से ले आते हुए बीच में ले आना है और इसे हम इस तरीके से पिंच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा 4 फूल वाला पिट्ठी बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारी पिट्ठियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ कि 4 वाले हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए पहले इसे हाफ में मैंने फोल्ड किया, एकदम आसान है। और अब हम इसे थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे बस हल्का सा, और उसे हम इस तरीके से बीच में ले आएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और अब हम क्या करेंगे इसे हम पिंच कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो पिंच आप अच्छी तरीके से करें नहीं तो वो खुल जाएगा। तो देखा ना आपने कैसे खुला था, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप हल्का सा पिंच कर लें। तो ये देखिए ये 4 फूल वाला पिट्ठी जो है वो भी बनकर तैयार है। तो सेम इसी प्रोसेस में हम सारी पिट्ठियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर मैक्सिमम 3 फूल वाली पिट्ठी ही बना रही हूँ, आप चाहें तो 4 फूल वाली पिट्ठी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी पिट्ठियों को तैयार कर लिया है और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिए हमारा कुकर ठंडा हो गया है और अब मैं इसका लिड खोल कर देखूंगी। तो ये देखिए हमारा जो दाल है वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लें
ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये पिठियाँ। तो एक एक करके आप इसमें ये सारी पिठियों को डाल दें। पिठियाँ डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक गिलास पानी, पूरा पानी हम ऐड कर देंगे एक गिलास, और इसका लिड बंद करके इसे हाई फ्लेम में एक सीटी आने तक हम इसे कुक करेंगे। उससे ज़्यादा हमें इसे सीटी नहीं लगाना है। तो ये देखिए इसमें एक सीटी आ गई है और अब हम इसका फ्लेम कर लेंगे बंद और हम इसे इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसका लिड खोलकर देखेंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है, तो इसका लिड मैं इस तरह से खोल रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो पिठियाँ हैं वो साइज़ में डबल हो गई हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो ये देखिए, और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उसके लिए हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कढ़ाई और अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे हम हल्का सा गर्म होने देंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक चम्मच सरसों का तेल और हाई फ्लेम में हम इसे पहले गर्म कर लेंगे। जैसे ही ये स्मोकिंग पॉइंट पर गर्म हो जाएगा तो ये देखिए ये गर्म हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक सूखी लाल मिर्च और एक चम्मच सरसों के दाने यानी कि राय के दाने। इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे यानी कि इसे कुक कर लेंगे, एक से दो मिनट के लिए इसे आप कुक कर ले। तो ये देखिए ये कुक हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक कटा हुआ बारीक कटा हुआ और 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है यानी कि ओवर कुक नहीं करना है, इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसे कुक करेंगे यानी कि 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये कुक हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियन। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के अनियन ले लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो बड़ा साइज़ का भी अनियन यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट करना है। उससे ज़्यादा हम इसे नहीं कुक करेंगे, एटलीस्ट आप 3 से 4 मिनट के लिए इसे आप कुक कर ले। तो ये देखिए ये कुक हो गया है। जैसे ये कुक हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे डालकर भी हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक टमाटर जो है वो हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। तो जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें हम ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ नमक हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ही ऐड करेंगे। तो देखा ना आपने, बहुत ही कम मसाले से बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बना हुआ दल पिट्ठी यानी कि दाल बना लिया, पिट्ठी उसमें डालकर भी बना ली है, तड़का भी हमारा रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, सारी पिट्ठियों को इस तड़के में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा दल पिट्ठी इस तड़के में आप डाल दें। तो इस तरीके से डालोगे तो आपका जो फूल है यानी कि आपकी जो पिट्ठियाँ हैं वो ख़राब नहीं होंगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। तो उसका फूल का शेप जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। अगर आप रोटी सब्जी खाते खाते बोर हो गए हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही कम मसाला का इस्तेमाल होता है, काफ़ी माइल्ड फ्लेवर होती है, ये बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि इसमें जाती है दाल और हमारा होल व्हीट फ्लावर यानी कि आटा। तो बहुत ही हेल्दी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ढककर कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि सारा फ्लेवर जो है वो हमारी पिट्ठियों में मिक्स हो जाए। हमने दाल को ऑलरेडी कुक कर लिया है, पिट्ठी को भी हमने सॉफ्ट कर लिया है एक सीटी लगा के, इसीलिए इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही आप इसे ढककर कुक करें ताकि सारे फ्लेवर्स जो है हमारी पिट्ठी में आ जाए यानी कि पिट्ठियाँ जो हैं सारी फ्लेवर्स अब्सॉर्ब कर ले। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया है और अब मैं इसका लिड उठाकर देखूंगी। इसे हल्के हाथों से मिक्स कर ले। फ्लेम कर लेंगे बंद और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए ऐड कर देंगे हम इसमें थोड़ा सा घी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मेल्टेड घी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग दल पिट्ठी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।